अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हो? उमर अकमल का इशू चल रहा है आजकल, बड़ी बातचीत हो रही है। बातचीत ये हो रही है कि आप सबको पता है कि पीएसएल का जब स्टार्ट होने वाला था, 20 तारीख को जब स्टार्ट होने वाला था, जब कोटा ग्लेडिएटर को मैच था, तो उससे एक रात, समझे उसी रात को, उसको आई थिंक 2 या 3 बजे का टाइम था, तो उमर अकमल को खेलने से मना कर दिया। कोटा ग्लेडिएटर की जो मैनेजमेंट, उनको बोला, उन्होंने बोला जी कुछ शको शुभात है हमें उमर अकमल के ऊपर, क्योंकि ये शायद कुछ किसी बुकी के साथ मिले हैं, या इन्होंने कुछ इनकी कुछ फ़ोन कॉल्स उनको पता चली हैं, पीसीबी का जो एंटी करप्शन यूनिट है उनको, जिसकी वजह से उन्होंने कोटा ग्लेडिएटर के जो मैचेस थे तो उनको खेलने से मना किया। अच्छा, बात ये है कि आप सबको पता होगा कि 2 पॉइंट आर्टिकल जो है एंटी करप्शन का, पीसीबी का जो एंटी करप्शन का जो आर्टिकल है 2.4.4, उसमें साफ लिखा हुआ है अगर कोई चीज़ आप छुपाएंगे, अगर कोई बुकी आपसे बात करना चाह रहा है, या उसने कोई बात भी की है और आपने पीसीबी को नहीं बताई, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी क्रिकेट जो है वो, उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। और 6.2 जो आर्टिकल है उसके उसके तहत आपको, आपके ऊपर अगर आप छुपाते हैं, पीसीबी को नहीं बताते, तो 6.2 के आर्टिकल के ऊपर आपको 6 महीने का ये लाइव बैन लग सकता है। तो 17 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भेजा उमर अकमल को, 31 मार्च को उन्होंने जवाब देना था 14 दिन बाद, लेकिन आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से उमर अकमल को एक टाइम मिल गया कि अब देखते हैं वो ये सिस्टम, जब कोरोना वायरस जब ख़त्म होता है, फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करना शुरू करेगा, तो फिर उस टाइम उस किस वक्त उमर अकमल जवाब देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं जी उमर अकमल टैलेंट बड़ा अच्छा है, उसमें बड़ा टैलेंट था, बड़ी क्रिकेट खेल सकता था, जिसमें मैं भी था, मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि उमर अकमल में टैलेंट बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में 2009 से जब उसने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया, और 2019 में जब वो आई थिंक अगेंस्ट श्रीलंका, जब मिसबाह उल हक कोच बने, हेड कोच बने, चीफ सेलेक्टर बने, जब वो बने, तो उन्होंने आई थिंक अहमद शहजाद को और उमर अकमल का जो श्रीलंका की टीम आई थी उनके अगेंस्ट उनका जो उनकी कमबैक करवाया, उसमें आई थिंक वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि जिस पे लोग यही कहते थे ना कि उमर अकमल में टैलेंट बहुत है, तो मिसबाह ने फिर चांस दिया, तो उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि 2009 के बाद से लेकर 2019 के दरमियान जितना भी पीरियड 10 साल का, इस 10 साल के दौरान किसी सिलेक्टर को, किसी बंदे को ये नहीं पता चला, ना समझ आई कि उमर अकमल में टैलेंट तो है लेकिन वो अपने साथ खुद नाइंसाफी कर रहा है, तो इसको क्यों पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया जाए? मेरा क्वेश्चन ये है सिलेक्टर से, क्यों उमर अकमल बार बार टीम में सेलेक्ट होता था? अगर टैलेंट था तो एक दफ़ा कमबैक हो गया, अगर टैलेंट था 2 दफ़ा कमबैक हो गया, अगर टैलेंट था 3 दफ़ा कमबैक हो गया। बार बार कमबैक, बार बार कमबैक होना क्यों? क्या कोई लोग ऐसे थे जो सेलेक्टर्स को प्रेशराइज करते थे उमर अकमल को टीम में वापस लाने के लिए, या क्या रीज़न था? ये उन सेलेक्टर्स से पूछना चाहिए, वो उन सेलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, जो सेलेक्टर्स बन चुके थे, और अगर क्रिकेट खेलने के बावजूद भी इस टाइप के हालात थे, तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि फिर उमर अकमल का कमबैक क्यों होता था वापस। उमर अकमल डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते थे, 1-2 100 करते थे, दोबारा वापस आ जाते थे। ये इस तरह की कई मिसालें हैं, एक मिसाल उमर अकमल की नहीं है, कई मिसालें हैं कि एवरेज क्रिकेटर 10-10 12-12 साल क्रिकेट खेल गए बिकॉज ऑफ सपोर्ट, सेलेक्टर्स की सपोर्ट, और कोई सपोर्ट होंगी जिसकी वजह से वो इतना अर्सा क्रिकेट खेल गए। और जो टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। टैलेंट के ऊपर आप दो दो तरीक़ों से क्रिकेट खेल सकते हैं, एक जो नेचुरल टैलेंट, जिस तरह उमर अकमल की बात करते हैं कि आया पाकिस्तान टीम के अंदर, आया टक 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 टक, नेचुरल टैलेंट है, परफॉर्म किया, 10-15 साल क्रिकेट खेल गया, नाम बना, बन गया, बहुत बड़ा नाम बन गया। दूसरा तरीकेकार ये होता है, नेचुरल टैलेंट तो है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन बार बार टीम में सेलेक्ट हो रहा है, और लोग कह भी रहे उम्र के बारे में
कि नहीं अपने साथ नाइंसाफी कर रहा लेकिन फिर भी सिलेक्ट हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे खेल रहा है। अगर लोग उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहा है तो फिर भी उसका टीम में वापसी होती है, तो क्या वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में वापसी हो रहा है या सलाम दुआ की वजह से टीम में आ रहा है वापस, या सिलेक्टर्स से सलाम दुआ उसकी बहुत अच्छी है टीम में वापस आ रहा है। मुझे तो यही रीज़न लगता है। तो जब ये चीज़ें, तो फिर पीसीबी के चेयरमैन कहाँ हैं, पीसीबी के लोग कहाँ हैं जिनके अंडर सेलेक्टर्स होते हैं या और लोग होते हैं, वो क्यों नहीं इनसे पूछते कि भाई ये लड़का जब परफॉर्म नहीं कर रहा, जब इस लड़के के बारे में इतनी बातें चलती हैं क्रिकेट इनसाइड द ग्राउंड भी और आउटसाइड द ग्राउंड भी, तो फिर ये लड़का कैसे टीम के अंदर वापस आ जाता है बार बार, और हर दफ़ा यही होता है। चेयरमैन चेंज होते हैं, उमर अकमल की वापसी चलती रहती है, आना जाना चलता रहता है टीम में, कोई भी चेयरमैन नहीं पूछता है कि भाई ये इसकी वापसी कैसे होती है, जब परफॉर्म नहीं कर रहा है आजमा के देख लिया तो बस कम अज कम ऑन साइड पे करो, अब नेक्स्ट 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 लड़का लाओ, कोई बहुत देख लिया नहीं परफॉर्म कर रहा तो ठीक है साइड पे करो। आप अभी भी आप लिख लेना कि उमर अकमल के ऊपर अगर 6 महीने का बैन लगा, 6 महीने बाद उमर अकमल की वापसी दोबारा हो जाएगी, क्योंकि जब उससे उसका बैन खत्म होगा यही मीडिया के लोग शुरू हो जाएंगे, मीडिया के भी तो अपने पसंद पसंद के लोग हैं ना, शुरू हो जाएंगे उमर अकमल की वापसी क्यों नहीं हो रही, उमर अकमल टैलेंट है, उमर अकमल 100 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करेगा, मीडिया में शुरू हो जाएंगे सारे अपने पसंद के जो उमर अकमल को पसंद करते हैं, जो आज बुराइयां भी कर रहे हैं ना सारे, वो सब सब उसकी सपोर्ट में लग जाएंगे कि उमर अकमल की वापसी क्यों नहीं हो रही, टैलेंट है टैलेंट है टैलेंट है, 100 करने पर सबने पीछे लग जाना उसके, और जो क्रिकेटर्स वहां बैठे हुए होंगे टीवी चैनल्स पे वो भी शुरू हो जाएंगे। मुझे तो हैरत है कि भाई जब एक बंदा बार बार कमबैक कर रहा नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसकी टीवी चैनल्स पे बात क्यों करते हो आप लोग, चाहे कोई क्रिकेटर है या नहीं है, उसको बात नहीं करनी चाहिए। और फिर जब उमर अकमल कोई गलत काम करता है या कुछ होता है, ये वही लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको, वही खिलाफ हो जाते हैं, नहीं जी उमर अकमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं जी पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, नहीं जी उसने यूं किया, तो भाई उस टाइम फिर ये बातें ना करो, फिर सीधा सीधा बोलो नहीं जी उमर अकमल की वापसी नहीं होनी चाहिए, तो तभी तो उमर अकमल की वापसी होती है। एक तो मीडिया से हटके भी उसको वो अपने वो उसके लोग उसको सपोर्ट करते रहते होंगे, उसके बाद मीडिया पे भी लोग उसको सपोर्ट करते होंगे, तो फिर कैसे उसकी वापसी नहीं होगी। इसी तरह और बहुत से लोग हैं, बहुत से प्लेयर हैं जो एवरेज क्रिकेटर थे, वो इसी तरह टीवी चैनल्स में बातें अपनी करवा करवा के दूसरे तरीके से बातें करवा करवा के टीम में वापस आ जाते हैं, और जो सपोर्ट जो प्लेयर्स होते हैं, जो खेलने वाले प्लेयर होते हैं उनको पता, अब लाइक जिस तरीके से आबिद अली की मिसाल देता हूँ, PSL में पता ही नहीं आबिद अली का, हारिस सुहेल बुरा प्लेयर नहीं है भाई, अगर आपने उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करना, ये जो भी है टीम के अंदर तो है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो T20 का स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से T20 का बुरा प्लेयर नहीं है, उसको PSL में किसी टीम में होना चाहिए था, आबिद अली का नाम होना चाहिए था, इमामुल हक को हम ले लेके घूमते रहते हैं हर जगह पे, तो आबिद अली क्यों नहीं है। अब मैंने इमामुल हक का नाम, अब लोग मेरे इस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, मैंने इमामुल हक का नाम इस वजह से लिया है क्योंकि इमामुल हक आबिद अली से अच्छा प्लेयर नहीं, अब मुझे ये कोई नहीं बोलना कि वो लेफ्ट हैंडेड है और आबिद अली राइट हैंडेड है, ये मुझे कोई कुछ नहीं बोलना, फर्स्ट चॉइस पाकिस्तान टीम में भी उसी की बनती है आबिद अली की, अगर आपने हर फॉर्मेट में किसी और को खिलाना है तो हर फॉर्मेट में आबिद अली को खिला लें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। उमैर यूसुफ एक कराची का बैट्समैन है, अंडर 19 से खेल गया, वो क्या टैलेंट है, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, आप उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, वनडे और T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसको टैलेंट देखें, PSL में क्या हो रहा है, जो अच्छा टैलेंटेड लड़का आप उसको टीम में लेके आते हैं ना, आप खिलाते हैं, वो खेल जाता है। तो बात ये है कि उमर अकमल का जो टैलेंट है वो पसंद है तो उमर अकमल की वापसी होगी, नहीं पसंद किसी कोई किसी और की परफॉर्मेंस नहीं पसंद, वो चाहे जितना भी टैलेंटेड हो वो वापस नहीं वाप उस उसको पूछा ही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से लड़के दोबारा वापस आते हैं टीम के अंदर और फिर बाद में कहते हैं जी इनकी वापसी क्यों हुई,
आप लोग लिख लें उमर अकमल पे जितना भी बैन लगेगा, उस बैन के बाद दोबारा वो पाकिस्तान के अंदर आएगा। आप मेरी बात लिख लेना, आप भी मेरी बात याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।